दोस्तों, दिल्ली कंटेम्प्रेरी बोर्ड यानी कि दिल्ली छावनी परिषद के अंदर पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है। आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है सरकारी रिजल्ट jobfind.com पर, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये और किसी साइट पर नहीं दी गई है, ये एक नई साइट है। शायद आप पहली बार सुन भी रहे हों, और अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको पता ही होगा कि ये इस वाली साइट पर वैकेंसी है, दिल्ली कैंट असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2023, जो कि असिस्टेंट टीचर पोस्ट की वैकेंसी है। और इसके अंदर ये 22 तारीख को निकल चुकी थी, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला। तो और मैंने सोचा कि बहुत से लोग क्वेरी भी कर रहे थे और वैकेंसी निकलने के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। और देखिए, इसके अंदर सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, कितनी इसकी फ़ीस है आपको डैशबोर्ड पर दिखी रही होगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। साथ ही साथ रिजर्वेशन वाली बात करें तो यहाँ पर उनको रिजर्वेशन वालों को छूट दी गई है, और जो ये पेमेंट है ये ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। वैकेंसी का नाम असिस्टेंट टीचर पोस्ट वैकेंसी है, नोटिफिकेशन 2023। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट 17 मार्च 2023 तक। आप 21 साल से 30 साल के बीच में अगर आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर द एप्लीकेशन, इज पर द फॉर्म रूल जो है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 से 7 साल का छूट मिलती है, वो आपको मिलेगी। साथ ही साथ देखिए, क्वालिफिकेशन आपको DED, BED, BLED प्लस CTET पास इसमें मांगा गया है। दिल्ली कैंट असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2023 का पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इसके अंदर रिटर्न एग्ज़ाम दिया गया है, उसके बाद आपका होगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका इसके अंदर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई असिस्टेंट टीचर एम्प्लॉयमेंट दिल्ली कैंट, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, और अप्लाई करके भी एक फॉर्म दिखाऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। क्लिक टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर और भी वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, लेकिन अभी हमको जो फॉर्म भरना है वो भरना है टीचर का। तो हम अभी प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन भी आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, 40 वैकेंसियों के लिए पोस्ट निकली हुई है, इसका पूरा नोटिफिकेशन भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा बड़ा करके देखिए दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज में निकली हुई है। चलते हैं फॉर्म की तरफ, अप्लाई पर क्लिक करना है, और ये डिक्लेरेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नीचे कॉलम में टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको फॉर्म पूरा केयरफुल्ली भरना है, क्योंकि जो साइट है इसमें एक ही बार में सारा डाटा फिल होना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें आपको मैं बता देता हूँ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो मास्टर डिग्री, और आपका CTET इसके अंदर कंपलसरी है, और फ़ोटो सिग्नेचर, ये 6-7 चीज़ें आपकी अपलोड होंगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही बना करके रख लेने हैं अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर में, ठीक है। और जैसे जैसे इसके अंदर ऑप्शन आएंगे वैसे वैसे आप इसको सेलेक्ट करना। ध्यान रखिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स का साइज 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 MB तक की फाइल ही इसके अंदर अपलोड होगी। इससे ऊपर अगर आपकी फ़ाइल हुई तो एरर आ जाएगा। ये एरर आएगा कैसे, मैं वो भी आपको इसमें दिखा दूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं फॉर्म भरते समय, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपने फॉर्म एक बार सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं होगा, ये उसका एरर आ रहा था, ठीक है। तो फॉर्म को आपको केयरफुली भर लेना है, अपनी नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, और जो एड्रेस होगा आपका वो एड्रेस आपको भर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें दे रखी हैं ऐड रो करने के लिए, यानी कि इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ऐड करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको करना है अपना मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th की डिटेल डालनी है, उसके बाद डालनी है इंटरमीडिएट यानी कि 12th की डिटेल, उसके बाद आपको डालनी है ग्रेजुएशन की डिटेल। इस तरीके से आपको एक एक कॉलम ऐड करते हुए जाना है और आगे डिटेल भर लेनी है। जो कॉलम इसमें दे रखे हैं सब्जेक्ट में, आपको सब्जेक्ट भरना है, और जो बोर्ड का नाम है वो बोर्ड अगर आपने CBSE से किया है तो CBSE डाल सकते हैं,
यूपी से किया है तो यूपी बोर्ड डाल सकते हैं, हरियाणा से किया है तो हरियाणा बोर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं काफ़ी चीज़ें आपको देखनी है। और एक चीज़ और है जो फाइल का नाम है, जब आप फाइल को चूज़ करेंगे अपने सिस्टम से तो ध्यान रखिएगा जो फाइल का फॉर्मेट है वो नेम एकदम सीरियल वाइज ही होना चाहिए। अगर आप कुछ भी एक्स वाई जेड पॉइंट स्लैश कॉमा या कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ करते हैं फाइल के अंदर तो वो फाइल आपकी इसमें अपलोड नहीं होगी और एरर आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मैंने फॉर्म को भर के यही चीज़ों को देखा है कि कोई दिक्कतें इसमें आ रही हैं और एक बार में ही फॉर्म आपको फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है आराम से केयरफुल्ली। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने फॉर्म भर के भी इसमें इसीलिए दिखाया ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और समय किसी के पास भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर बना के आपको कुछ पॉइंट्स समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले से ही करनी है ताकि फॉर्म आपका आराम से भर जाए। और जो पेमेंट है वो आपको आराम अपने क्रेडिट वीज़ा या डेबिट कार्ड से मास्टर कार्ड से करनी है, इसमें रुपए कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।